हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है, ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा अब पूरे फुल जो लाइफ है उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने पूरे लाइफ में पहली बार जो चीज़ अभी तक देखा है वो, क्योंकि मैं 25-26 साल की होने वाली हूँ और अभी तक मैंने थोड़ा सा भी नहीं देखा। सिर्फ मैंने टीवियों पे देखा था और सुनते थे, तो क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आज जो दशहरा था, दशहरा में जो रावण जलता है वो चीज़। मेरे जैसे मुझे लगता है काफ़ी लोग होंगे जो लोग नहीं देख पाते होंगे, और मैं उनमें से भी एक थी जो कि मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि बचपन में जब भी हम मेला जाना होता था तो पापा नहीं लेके जाते थे उस टाइम दशहरे के दिन, जो दशमी होता है, क्योंकि बोलते थे बहुत भीड़ होगा और भीड़ में तुम लोग घूम नहीं पाओगे अच्छे से, मेला हम नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे। और हम इतने छोटे थे कि हम पूरा जिद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें तो बस मेला घूमना था, झूला झूलने से मतलब था। बट जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर वो चीज़ हुआ कि मैंने अभी तक नहीं देखा अपने पूरी लाइफ में क्या लाइफ है और कैसे जलता है। ऐसा नहीं, मैंने टीवी पे बहुत सारा देखा, लेकिन एक होता है ना कि रियल लाइफ में देखो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और जब हम देखने गए तो वहाँ पे बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। और वो वीडियो मैं जस्ट अभी डालूंगी, आप लोग भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जितने भी लोगों ने नहीं देखा था तो वो इस वीडियो के थ्रू आप देख लीजिएगा, और मैं प्रे करूंगी कि आप लोग भी बहुत जल्दी देखिए। और क्योंकि और जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो घर से भाई लोग के साथ मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि भाई लोग बोलते बहुत भीड़ हो गए, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी। क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पे भाई नहीं लेके जाते थे, तो ये चीज़ भी जो है वो कैंसिल हो गया। लेकिन कल जब जलने लगा था तो इनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे पास में जल रहा है। इनकी कोई फ्रेंड ने कॉल किया कि यहाँ पे रावण जलाया जाता है, आप लोग आके देख सकते हैं, तो हमें पता भी नहीं था। और जस्ट पास में ही 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, ग्राउंड में जल रहा था, तो वहाँ हम लोग चले गए और वहाँ हमने जाके देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था जलते हुए देखने में, एक अजीब सा लग रहा था ना। बट कुछ लोग बहुत बूढ़े हैं, तो बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो आप अपने अंदर की वो चीज़ को ख़त्म करिए। रावण का जो पुतला है वो जलाने से कुछ नहीं होता है, उसको पुतला नहीं जलाया गया था, उससे हमें कोई सीख नहीं मिलता है कि बस जो हमारे अंदर रावण जैसा जो है इंसान बहुत अच्छा था, जो अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़ गया था और दूसरी पढ़ाई औरत को अपने पास रखते हुए भी उसने टच तक नहीं किया था, इससे महान और कोई क्या हो सकता है। बट आज के अभी समय में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और सब कुछ समझते होंगे। तो चलिए फिर वीडियो एंजॉय करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पास का बेल का आइकन है आप उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। और अभी मेरे फेस पर बहुत सारे जो दाने निकलने शुरू हो गए हैं मौसम की गड़बड़ी की वजह से, डेली डेली बारिश होना है, बारिश होगा फिर धूप हो जाता है, तो शायद इसके वजह से हो रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Thank you.